अब चुनाव से पहले इस तरह से किसी नेता पर कार्रवाई हो तो जाहिर सी बात है कि पार्टी के लिए चिंता का विषय है, लेकिन वहीं पर अगर ठीक उपचुनाव से पहले नेता पर प्यार बरसाए जनता तो फिर जीत की उम्मीद बढ़ जाती है। अब कल यूपी के कुदरकी में उपचुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन ठीक उससे पहले बीजेपी उम्मीदवार का नोटों से तोले जाने वाला एक वीडियो सामने आया है। खास बात तो यह है कि बीजेपी के इस उम्मीदवार को नोटों से तोलने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। बीच मंच पर पड़ा ये बक्सा नोटों से भरा हुआ है। उसी मंच पर वजन तोलने वाली मशीन भी दिख रही है। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आखिर चुनावी मंच पर इसका क्या काम। दरअसल कुंदरकी विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को इन्हीं नोटों से तोला जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल है। कमालपुर फतेहाबाद गांव में एक नुक्कड़ सभा के दौरान मंच पर नोटों से भरा ये बक्सा लाया गया और मंच पर ही इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन लाकर बीजेपी उम्मीदवार रामवीर सिंह ठाकुर को तोला गया। खास बात यह है कि ये सब इलाके के मुस्लिम समाज की तरफ से किया गया। इसके साथ ही मुस्लिम समाज के मतदाता चुनाव में अपनी हिस्सेदारी के रूप में रामवीर सिंह को 100 तो कोई 500 का नोट देता भी नजर आया। कार्यकर्ता अपने नेता के स्वागत में अक्सर ऐसा करते हैं और यहाँ भी रामवीर सिंह के चाहने वालों ने उन्हें नोटों से तोला। हालांकि उसके बाद उन नोटों का क्या हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी